बीजेपी भक्त कंगना रनौत को नहीं मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, मुरझा गया कंगना का चेहरा। फिल्म हिट कराने के लिए पहुंची थी रामलला के चरणों में, फिर भी नहीं मिला आशीर्वाद। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आशा भोसले, वीवीआईपी लोग शामिल पर कंगना का पत्ता कटा। क्या कंगना को भूल गई बीजेपी या नजरअंदाज कर दी गई कंगना रनौत? मोदी भक्ति भी नहीं आई काम। जरा सोचिए कि जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 8000 वीवीआईपी लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि कंगना को न्योता ही नहीं मिला तो क्या आपको आश्चर्य होगा? जिस कंगना को लगता है कि दोस्त के बाद आजादी मिली है, जो कंगना रनौत बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकती, आखिर उनको इतने बड़े कार्यक्रम में क्यों नहीं न्योता भेजा गया? अपने फिल्म तेजस को हिट कराने के चक्कर में अयोध्या का भ्रमण भी कराई, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई और ऊपर से इतनी बड़ी बेइज्जती कि कंगना रनौत को न्योता ही नहीं मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने देश के महान हस्तियों को आमंत्रित किया है, लेकिन कंगना रनौत को इसके लिए न्योता नहीं भेजा गया। उनका नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। बता दें कि इस लिस्ट में 3000 वीवीआईपी समेत कुल 7000 लोगों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल, देवी सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सिंगर आशा भोसले का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कंगना अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुकी हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उद्घाटन में एक्ट्रेस को न्योता ही नहीं दिया गया। इस समारोह के लिए दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी सहित 7000 लोगों को ट्रस्ट ने न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। मशहूर हस्तियों के अलावा 1992 में मारे गए कार सेवकों के परिवारों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS प्रमुख मोहन भावत, योग गुरु रामदेव और उद्योगपति रतन टाटा, उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल होने वाले हैं। समय और तारीख की बात करें तो कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम करीब 3 घंटे तक चलेगा। कंगना रनौत अपनी लास्ट फिल्म तेजस के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंची थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वेटिकन सिटी की तरह अयोध्या मंदिर भी दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बन जाएगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि उनकी फिल्म में इस साइट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही पिछले महीने भी कंगना रनौत रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची थी, जहां उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया था, मंदिर बनाने वाले लोगों को भी याद किया था। बता दें कि वो अक्सर अयोध्या मंदिर को लेकर बयान देती रहती हैं।